आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है कि आप लोग अपने बैकग्राउंड पर पर्पल कलर कैसे दे सकते हैं, देन ब्लू कलर कैसे दे सकते हैं। सो इस टाइप की वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। देन उनकी वीडियो पे हम कमेंट करते हैं कि भाई आप लोग कहाँ से एडिट करते हो, तो वो लोग कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। गाइज़ बहुत आप लोग कोशिश करते हैं, मैंने भी बहुत कोशिश करा है कि भाई मुझे भी बताओ कैसे एडिट करना है, बट उनमें से किसी ने नहीं बताया। सो गाइज़ मैंने बहुत ज़्यादा माइंड लगाया, देन बहुत ज़्यादा रिसर्च कराऊँ, तब जाके आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँ। सो इसके ऊपर मैंने दो टॉपिक बनाए हैं, ठीक है। एक में मैंने फर्स्ट में बताया था कि आप लोग मतलब वीट के साथ कैसे इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। सो उसमें से आप लोगों ने कमेंट करा था कि भाई मतलब सेम नहीं हो पा रहा, मतलब उतना मज़ा नहीं आ रहा, आप लोग एक दूसरा वीडियो बनाओ एकदम मतलब प्रूफ के साथ हमें दिखाओ। सो मैंने एक वीडियो और बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने आप लोग को एकदम सेम करके दिखाया था प्रूफ के साथ। सो उसमें मैंने इंस्टाग्राम पर ही बताया था, मतलब इंस्टाग्राम पर ही दोनों इफेक्ट बताए थे, बट आप लोगों ने बोला कि इंस्टाग्राम पर नहीं चाहिए भाई, वहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी लॉस हो रही है, आप बिल्कुल एप्लीकेशन देन BN पे ही बताओ। सो देखो मुझे तो क्या है ना कि आपकी हेल्प करना है, ठीक है। मैं मतलब ये नहीं चाहता कि मतलब मुझे मतलब मज़ा आ रही बार बार वही वीडियो बनाना, वही टॉपिक बनाना, मुझे ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। बस मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ कि आप लोग पर्सनली सीख पाएँ, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने बैकग्राउंड पर पर्पल कलर कैसे दे सकते हैं, देन ब्लू कलर कैसे दे सकते हैं, और बीच के साथ कैसे चेंज कर सकते हैं कलर को। और आप लोगों ने देखा होगा अभी के समय ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मतलब स्टार्टिंग में से ब्लर सा होता है, देन जैसे ही वीडियो जूम होती है तो कलर चेंज हो जाता है। सो ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, नया ट्रिक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सा वीडियो स्किप मत करिएगा। इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो पर्सनली आप लोग पूरा सीख जाएंगे, मतलब जो ये वीडियो है हमारा, ये वीडियो पूरा एडिटिंग के ऊपर है। इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग के कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ना कोई डाउट रहेगा, ना कोई आप मुझे कमेंट करेंगे कि हमसे ये सब नहीं हो पाया। पर्सनल वीडियो है गाइस, पूरा वीडियो देखना आप लोग। इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस वीडियो में आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा तो सॉरी, मैं नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया मैंने, सो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को क्या करना है मैं बताता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से जाना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सो आप लोग जैसे इंस्टाग्राम पे आएंगे तो आप लोग को रील्स वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। सो आप लोग जिस वाली मतलब रील्स पे अपना वीडियो बनाना चाहते हैं, उस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पे जाना है और शेयर पे जाना है, आप लोग को शेयर टू पे जाना है, और यहाँ से आप लोग किसी को भी शेयर कर सकते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड किसी को भी शेयर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से एक वीडियो को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जिस वीडियो जो वीडियो पर आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा पहले किसी और बंदे को, या फिर आप लोग उसका आडियो सेव कर लीजिएगा। मतलब कैसे करना बताता हूँ मैं। यहाँ से आप लोग को म्यूजिक पे जाना है, यहाँ से आप लोग को सेव ऑडियो कर देना है, ठीक है। तो ये आपका सेव हो जाएगा ऑडियो। एंड इसके बाद गाइस क्या करना है आप लोग को, फिर यहाँ से टैप करना है, मतलब वीडियो अपना क्रिएट कर लेना है, ठीक है। सो जब भी आप वीडियो बनाओ आपको खाली एक फिल्टर यूज़ करना होगा, अगर आप लोग को इस टाइप का वीडियो एडिट करना है तो। यहाँ सर्च लिस्ट पर जाना है, यहाँ से आप लोग को रिको फिल्टर सर्च कर लेना, ठीक है। सो इस वाले फिल्टर से आप लोग को वीडियो बनाना है, ठीक है। सो अगर आप लोग इस फिल्टर से वीडियो नहीं बनाते तो शायद यार उस टाइप का वीडियो बन पाए, बट आप लोग को इसी फिल्टर को यूज़ करना, बाद में नहीं पता चलेगा कौन सा फिल्टर आपने यूज़ करा था। या आप लोग देख सकते हैं मैंने रिको फिल्टर से ही वीडियो शूट करा था। एंड यहाँ से गाइस क्या करना, आप लोग को वीडियो को सेव कर लेना है, ठीक है। एंड सेव करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस एक तो ये गर्ल वाला फ़िल्टर है जिसमें ये गर्ल मतलब गार्डन में बैठी हुई है, सो आप लोग ये वाला फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा मतलब आ रहा है वीडियो हमारा, कलर कैसा आ रहा है पीछे का, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसमें तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब दो दो मिल जाते हैं, एक तो ये वाला कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड पे, देन एक ये वाला है, ठीक है। सो आप लोग को इनमें से जो भी अच्छा लगता है आप लोग रख सकते हैं, बट जो मैं सजेस्ट करने वाला हूँ वो आपको बताता हूँ कौन सा फ़िल्टर है। सो वो फ़िल्टर कुछ ये वाला है, आप लोग देख सकते हैं इनमें से ये तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप लोग को इनमें से कोई सा भी रख लेना आपको जो अच्छा लगता है। सो मैंने दूसरे नंबर वाला रख लिया, देन इस पे ही टैप करके आप लोग इसका ड्यूरेशन वगैरह और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है, तो आप लोग को इसी टाइप से कर लेना। आप लोग देख ही सकते हैं हमारा सेम आ गया है कलर पीछे का ब्लू, आप लोग देख ही सकते हैं। एंड अब मैं आपको गाइस बताता हूँ कि आप लोग को अपने वीडियो का ब्लर कैसे करना है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से आप लोग को वीडियो को सेव कर देना है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ से प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है।
प्ले स्टोर पे जैसे ही आएंगे तो आप लोग को यहाँ पे सर्च कर लेना है सुपर वीपीएन, ठीक है। सो आप लोग यहाँ से सुपर वीपीएन डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप लोग के पास नहीं है, बट मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, देन कनेक्ट भी करके रखा हूँ, ये आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोग को सुपर वीपीएन को कनेक्ट कर लेना, या फिर आप लोग और कोई भी वीपीएन ओपन कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है कैपकट एप्लीकेशन पर, ठीक है। सो कैपकट एप्लीकेशन पर जैसे ही आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमने वीडियो इंस्टाग्राम से सेव करा था उस वीडियो को लेके आना, ना कि आपको वो वीडियो लेके आना जो हमने प्रिकुल एप्लीकेशन से बनाया, दोनों वीडियो लेके आएंगे। बट पहले आप लोग को इंस्टाग्राम वाली वीडियो लेके आना, जहाँ वो वाली जो हमने सेव करी थी। तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है और उस वीडियो को लेके आना है, ठीक है, जो हमने रिको फिल्टर से मतलब एडिट करा था। एंड इसके बाद गाइस आपको यहाँ से जाना इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। एंड यहाँ से जाना आप लोग को बेसिक पे, एक मिनट में आपको फिर से बता देता हूँ, जल्दी से बताया मैंने, सॉरी। देखो यहाँ से आप लोग को इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से जाना आप लोग को ट्रेंडिंग आएगा, तो आप लोग को बेसिक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे बहुत सारे ब्लर मिले जाते हैं, जैसे कि ये वाला भी ब्लर है, ठीक है। और सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यही वाला नॉर्मल ब्लर ले लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा ये वाला। एंड यहाँ से डन कर देना है। अब जो ब्लर का ड्यूरेशन है वो आप लोग भैया अपने हिसाब से ही रख सकते हैं, मतलब आपको कितना चाहिए। सो अपने वीडियो के हिसाब से, मतलब कि जब आपका जूम होता है तो वहाँ हट जाए ब्लर, तो वो आप लोग अपने हिसाब से ही कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं कहाँ तक करता हूँ बताता हूँ, तो मैं इसे यहाँ तक ही रखता हूँ, ठीक है। बताता हूँ कि आपको क्या करना है गाइस, ठीक है। यहाँ दो मिनट तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को वीडियो पे अपने क्लिक करना है और यहाँ से कट मार देना है वीडियोस पे, और यहाँ से ये वाला वीडियो आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। सो ये डिलीट कर देता हूँ, ये ब्लैक वाला इशू भी डिलीट कर देना है। एंड यहाँ से आप लोग को प्लस वाले पे जाना, जो हमने मतलब प्रिकुल एप्लीकेशन से वीडियो सेव करा था उसी वीडियो को फिर लेके आना है। अब आपकी जो प्रिकुल एप्लीकेशन वाली वीडियो होगी तो यहाँ पर मिनट चलेगा, ठीक है। तो इसे आप लोग को 2 मिनट तक ही डिलीट करना है, 2 सेकेंड, सॉरी, माफ़ करिएगा। तब वीडियो अपना कट कर देना है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके कि वीडियो हमारा कैसा बना है, ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग में देख सकते हो बहुत ही अच्छा ब्लर हुआ, देन ब्लर भी निकल जाता है और वीडियो भी जूम हो जाता है। बट मैंने उतने अच्छे से वीडियो नहीं शूट कर पाया था गाइस, बट आप लोग को अच्छे से वीडियो शूट करना है, जब आप लोग ये वाली एडिटिंग कर लेंगे ना तो वीडियो बहुत ही बूम लगेगा आप लोग का, ठीक है। सो आप लोग को इसी टाइप से अपनी वीडियो का एडिट करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, बट आप लोग को अच्छे से ही करना है गाइस। तो चलिए वीडियो कहीं पे एंड कर देते हो। हाँ, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ आप लोग के लिए। सो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट